हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर करियर। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम मैथमेटिका की हेल्प से किसी भी इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले हम ये मैं बता देती हूँ कि किसी आयोटा के लिए यहाँ पे कमांड कैपिटल आई होता है। जैसे अगर हमें रियल पार्ट फाइंड करना है नंबर, जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं 2 + 3 आयोटा का, तो रियल आर ई लिखेंगे रियल के लिए, देन स्क्वायर ब्रैकेट और 2 + 3 और आयोटा के लिए कैपिटल आई यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो मैं दी हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा, इसमें यहाँ पे रियल पार्ट 2 है। इसी तरह अगर हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा का इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना चाहते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए हम कमांड कैपिटल आई स्मॉल एम देन स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 आयोटा डालेंगे यहाँ पे आयोटा कैपिटल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो आउटपुट आएगा ये 3 आएगा। इसी तरह जैसे अगर हम ये जो हमारा इमेजिन नंबर, कोई भी इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, जैसे हम 3 + 2 + 3 आयोटा लेते हैं, 2 + 3 आयोटा पावर 6। अगर हमें इस वाले नंबर का चाहिए जैसे रियल पार्ट, तो रियल पार्ट के लिए पहले तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे और आगे आर ई कैपिटल आर स्मॉल ई डालेंगे रियल के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो आउटपुट आ रहा है 2035 आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो नंबर है 2 + 3 आयोटा होल पावर 6, इसका जो रियल पार्ट है वो 2035 होगा। इसी तरह इसका इमेजिनरी पार्ट भी हम फाइंड कर सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट के लिए आई एम देन स्क्वायर ब्रैकेट और फिर यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे हम कंबाइन करने के लिए 2 + 3 आयोटा और फिर ये कमांड और पावर 6। तो इससे हमें ये इमेजिनरी पार्ट इसका -828 आ रहा है। इसी तरह से हम बाकी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा।